दशहरा का पावन पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण महापंडित और महाज्ञानी था। उसने अपने बल से देवताओं को भी पराजित कर दिया था, लेकिन रावण से एक भूल हो गई थी। वो अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा था और ईश्वर के बनाए नियमों में बदलाव करना चाहता था। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो अपने सात अधूरे कामों को पूरा करके दुनिया का स्वरूप ही बदल देता। आइए जानते हैं रावण के वो सात अधूरे काम क्या हैं। रावण का सबसे पहला सपना ये था कि वो धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी का निर्माण करे। वो चाहता था कि हर व्यक्ति स्वर्ग में जाए, इसलिए रावण ने धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक यह सीढ़ी बनकर तैयार होती, भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। रावण का दूसरा सपना था समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण को पता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रावण का तीसरा अधूरा काम सोने में सुगंध भरना था। इसकी वजह यह थी कि रावण सोने का शौकीन था और उसने अपनी पूरी नगरी भी सोने की बनाई थी। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि उसे कहीं भी सुगंध से जान लिया जाए। ऐसा करने से सोने की तलाश भी आसान हो जाती। रावण का चौथा सपना था रंग भेद को खत्म करना। रावण स्वयं काला था, इसलिए वो चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखे और कोई किसी के भी सामने रंग को लेकर मजाक ना बनाए। रावण का पांचवा सपना था खून के रंग को सफ़ेद करना। रावण ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि उसके द्वारा किए गए जाने वाली हत्या का किसी को पता ना चले। रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो अपना छठा सपना भी पूरा कर लेता। वो मदिरा को गंधहीन बना देना चाहता था जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सके। रावण का सातवां और आखिरी सपना ये था कि संसार में भगवान की पूजा बंद हो जाए और लोग उसकी पूजा करें। लेकिन रावण का ये सपना उसके साथ ही जलकर राख हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।